ऑलराइट गाइस, अब मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने पहले पिछले वीडियो पे मैं मास्क बनाया था, बैटमैन का मास्क, उसका मैं फेस का मोल्ड लिया था, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अब देख सकते हैं मिल गया है। हम इसको यूज़ करके मून नाइट का मास्क बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा फेस का एक मोल्ड है, इसे हम यूज़ करके मास्क बनाएंगे तो परफेक्टली मेरे फेस पे फिट होगा, इसलिए मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले हम गम बना लेंगे, जैसे कि मैदा का आटा पानी में डाल के हम इसे गर्म करेंगे तो हमको एक बढ़िया सा ग्लू मिलेगा, इसे हम यूज़ करके इसके ऊपर हम पेपर लगा के हम मास्क बना सकते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट हम इसके ऊपर थिन पेपर ले लगाएंगे, पानी से हम इसके भिगा के पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर हम इस मून नाइट का एक जैसे कि एक बैंडेज जैसा एक इफेक्ट आएगा ना, हम उसको बनाएंगे पेपर पे ही। अब देख सकते हैं कि मैंने इस पेपर को स्ट्रिप बना के इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, जैसे कि रियल मास्क में रहता है ना, ऐसे ही हमने स्ट्रिप बनाएंगे इसके ऊपर भी। ऑलराइट, इसको बनाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। 2 or 3 hours के बाद हम जाके देख सकते हैं कि ये सूख चुका है या नहीं। अब देख सकते हैं कि ये सूख चुका है, अब आवाज़ से ही देख सकते हैं इस थोड़ा सा हार्ड हो गया है। हम ज़्यादा सूखने नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाहर निकालते वक्त थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इसलिए थोड़ा सूखने ही हम इसे मोल्ड से बाहर निकालना शुरू कर देना है। अब देख सकते हैं थोड़ा सा और अंदर में थोड़ा सा नहीं सूखा है, ये हमको चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहेगा तभी हम इसे जाके निकाल सकेंगे। अब देख सकते हैं कि आराम से निकल चुका है। ऑलराइट, अब हम इसके ऊपर आई को ड्राइंग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम आई को काट के इसका आई सॉकेट को बनाएंगे, इसके ऊपर हम एक ग्लो इफेक्ट देंगे, जैसे कि रियल में आई ग्लो हो रहा है ना, ऐसे ही हम देंगे LED लाइट लगा के बाद में। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि ये मास्क अब बहुत ही हार्ड हो चुका है, साउंड से ही पता कर सकते हैं कि कितना हार्ड है। ऑलराइट, अब हम इसे इस बेल्ट को हम इससे लगा देंगे, क्योंकि हम इसे सर पे बांधने के लिए। ऑलराइट, उस पर हम वेलक्रो लगाएंगे, क्योंकि हम इसे लगाने के लिए आसानी से हम इसके लगाएंगे फेस के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर मैं वेलक्रो लगा रहा हूँ। वेलक्रो लगाने के लिए मैं रबर एडहेसिव का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर एक्चुअल बैंडेज लगा रहा हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक मिलने के लिए मैं इसके ऊपर इस एक्चुअल बैंडेज को मैं लगा रहा हूँ। इसको लगाने के लिए मैं वही ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैदा में हमने बनाया था ना, वही ग्लू मैं इसके ऊपर इस बैंडेज को लगाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब हम इसके ऊपर व्हाइट कलर एक्रेलिक पेंट को पेंट करेंगे। पेंट अच्छे से सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर जैसे कि आंखों के ऊपर हम एक ग्लो इफेक्ट लाएंगे, इसके लिए मैं एक बॉटल कट कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट बॉटल। वैसे हमको दो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल का एक ग्लास जैसा कट करके हम सुपर ग्लू इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद हम इस LED स्ट्रिप को यूज़ करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि इससे रेसिस्टेंस है, और LED लाइट इसके ऊपर लगा देना है रेसिस्टेंस को, क्योंकि हमने 9 volt बैटरी यूज़ करने वाले हैं, इसलिए ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 volt है। उस volt को कम करने के लिए मैं इस रेसिस्टेंट को यूज़ कर रहा हूँ, रेसिस्टेंट जैसे कि अब छोटा सा टैबलेट जैसा है ना, वो लाइन जैसा वैसा ही। इसके ऊपर मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम जाओ ओपन करते के वक्त इस लाइट ऑन होने के लिए। ऑलराइट, इस सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम इसको सिक्योर करने के लिए क्ले का यूज़ करेंगे। इस सारे मटेरियल का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मैं एक कैप रखा हुआ टी शर्ट, जैसे कि हुडी बोलते हैं ना उसको, वैसा रखा हुआ टी शर्ट को मैंने लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा शार्प जैसा बनाएंगे कार्डबोर्ड पे, कार्डबोर्ड को कट करके हम इसे स्टेपलर मार के ऐसा शार्प बनाएंगे, क्योंकि रियल में ऐसा ही रहेगा ना, इसलिए। ऑलराइट, प्रोसेस हुआ कंप्लीट, एंजॉय द फाइनल आउट। In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.